किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर एमपी मंडल, पादप कार्यकी एवं जीव रसायन विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। आज मैं ट्रेस गार्डनिंग में सफ़ेद मूसली की खेती कैसे होती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सर देखिए, आप खुद आप देख सकते हैं कि देखिए इसमें जो है ये क्या है, छत पर बालू रखा हुआ था, उसी में मतलब कि इस सफ़ेद मूसली को लगाया गया है और इसकी फसल आप देख सकते हैं कितना शानदार है, एकदम से कितना अच्छी फसल है। इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट इसमें मिला जो इतना अच्छा क्रॉप है? और ये जो है अप्रैल माह में ही इसको बालू में लाइन स्वयं करके इसको लगा दिया गया था और वर्षा जैसे ही हुई तो इस पूरा का पूरा जर्मिनेट कर गया। देखिए कितना अच्छा है। देखिए ये जो आप फूल देख रहे हैं, ये सफ़ेद मूसली का फ्लावर है। इसमें कहीं कहीं फ्लावर को तोड़ते रहने से क्या होता है कि उसका जो रूट होता है, रूट में जो एल्कलॉइड परसेंटेज बढ़ जाता है, साथ साथ क्या होता है कि उसका वजन भी बढ़ता है। अगर आप इसका जो लीफ अगर फ्लावर नहीं तोड़ते हैं तो क्या होगा, जिस तरह से उत्पादन चाहिए उस तरह उत्पादन नहीं होगा। ये क्या है, खरीफ सफ़ेद मूसली क्या है, खरीफ सीजन क्रॉप है। इसको मई जून में इसको लगाया जाता है और इसकी दूरी जो होता है ये 18 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको लगाया जाता है। और ये जो इसकी जो रूट होती है एकदम से मूली के समान होता है, पतली पतली मूली के समान इसकी रूट होता है, सफ़ेद होती है और उसी को हम खेत में लगाते हैं। और ये जो है मात्र 5 महीने का ये क्रॉप है, 5 महीने में ये तैयार हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ट्रेस गार्डनिंग में बालू पर कितना अच्छा क्रॉप है और ये बालू कई साल से छत पर पड़ा हुआ था और इसमें इसका जो वजह क्या है, इसमें जो धूल का जो मतलब कि इसमें जो लगते रहा बालू में उसी की चलते मतलब कि इतना अच्छा क्रॉप है, हरा भरा का। वही धूल कण में जो भी मिला नाइट्रोजन P2O5K2O जो भी न्यूट्रिएंट मिला धूल के थ्रू, तो उसी चलते इतना अच्छा क्रॉप है। अब देखिए ट्रेस गार्डनिंग में अगर इस तरह से खेती आप करें तो आपको हमेशा बेनिफिट हुआ। अभी लोकल मार्केट 500 से 800 रुपया केजी एक सफ़ेद मूसली का जड़ मिल रहा है। तो अगर आप देखिए, अगर आप मतलब कि छत पर मतलब कि जहाँ पर जगह हो, थोड़ा सा मतलब कि बुद्धि लगाकर अगर आप इस तरह से खेती करते हैं, कैश क्रॉप का खेती करते हैं, तो आपको बेनिफिट ही हमेशा देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि देखिए ये जो है प्योर बालू है। देखिए आप बालू का है तो प्योर बालू है, देख लिए आप। तो आप देखिए इसको लगाने से क्या है कि ये क्या है, ये जो पौधा होता है सफ़ेद मूसली का पौधा जो होता है तो ये शक्तिवर्धक पौधा होता है। ये इसको जो है जैसे कि किसी को महिला को श्वेत पर्दा की शिकायत हो तो इसकी जड़ को खाया जाता है। तो उसके बाद इसको मतलब कि डायबिटीज जैसे मधुमेह की बीमारी किसी को है तो इसकी जड़ को खाया जाता है। और जैसे किसी को शारीरिक शक्ति कम है मतलब कि उसमें भी इसकी जड़ को खाया जाता है, नपुंसकता दूर करने के लिए खाया जाता है। या क्या होता है, महिलाओं को मतलब कि दूध बढ़ाने के लिए, बच्चों को दूध पिलाने के समय महिलाओं को इसको जड़ खिलाया जाता है जिससे कि दूध मतलब कि ज़्यादा मतलब कि होती है और बच्चा बढ़िया से पी लेता है। तो इस तरह से इसका कई इसका औषधीय उपयोग है। तो
किसान भाइयों, आप भी बल्कि ट्रेस गार्डनिंग में इसी तरह का, अगर बालू छत पर है उसमें कोई भी केस क्रॉप आप लगाएं तो क्या होगा कि आपको अच्छी से अच्छी फसल उसमें मिलेगा और आप बेनिफिटेड होंगे। तो किसान भाइयों धन्यवाद, आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें, इसके लिए मैं आपको सुबह की वेला में नमस्कार।